हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले 2020 के अंदर, जो 2019 के अंदर निकाली गई थी 35,277 पदों पर, साथ ही एक और वैकेंसी निकाली गई थी 2019 के अंदर आरआरसी ग्रुप डी की 1,03,769 पदों पर। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम की डेट को लेकर, कि इनके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, साथ ही कौन सी एजेंसी है जो इनको एग्जाम कराने वाली है, और साथ ही इन दोनों एग्जाम के अंदर पहले कौन सी एग्जाम होगी। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट हो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको इन चारों में से जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये भी पता है कि वो नदी किस महाद्वीप के अंदर बहती है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। आपको बताना था इस क्वेश्चन में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में। ये देख सकते हो ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ अजमेर। इसके अंदर बताया जा रहा है नोटिस फॉर इन्वाइटिंग ई टेंडर फॉर एंगेजिंग एग्जाम कंडक्ट एजेंसी। तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम कराने वाली है आपकी, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर बताया जा रहा है ओपन टेंडर इन टू पैकेट सिस्टम इज इनवाइटेड बाय चेयरमैन ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर फॉर एंड बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंगेजिंग ECA फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर वेरियस पोस्टिंग नोटिफाइड बाय द RRB जनरल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN03/2019। तो ये CN03/2019 के बारे में बताया जा रहा है, ये आपका आइसोलेट कैटेगरी का है। तो ये नोटिस निकाला गया है वो आपका आइसोलेटेड कैटेगरी का निकाला गया है, कि इसके अंदर जो आपकी एजेंसी है उसका चुनाव किया जाएगा। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पहले जो आपके एग्जाम होने वाली है, ना ही तो आपकी NTPC के एग्जाम पहले होने वाली है और ना ही आपकी ग्रुप डी की एग्जाम पहले होने वाली है। आपकी जो आपकी एग्जाम पहले होगी वो आपकी आइसोलेट कैटेगरी की एग्जाम पहले होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके फॉर्म है वो भी कम भरे गए हैं और इसके अंदर जो विद्यार्थी ने अप्लाई किया है वो भी कम किया गया है। बात करें जाए NTPC की, तो NTPC के अंदर आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो करीब करीब 1,26,00,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था 35,277 पदों के लिए। वहीं बात की जाए आपके ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पदों के लिए करीब करीब 1,15,00,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। अगर ये दोनों एग्जाम पहले हो जाती हैं आइसोलेटेड कैटेगरी से तो इसके अंदर काफ़ी डिले हो जाएगा, इसलिए आपकी जो आइसोलेटेड कैटेगरी है जो एग्ज़ाम निकाली गई है CN03/2019, इसको पहले कराया जाएगा और इसके लिए जो एजेंसी है उसका चुनाव किया जा रहा है उसी के बारे में ये नोटिस निकाला है, कि पहले आपकी जो आइसोलेट कैटेगरी है उसके आपका निकाला जो एजेंसी है उसका चुनाव किया जाएगा और उसी की डेट दी गई है। इसके अंदर जो डेट दी गई है इसके एजेंसी के लिए वो दी गई है आपकी 2/3/2020 के लिए। इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन टेंडर ऑन वेबसाइट ये दी गई है, और इसके अंदर साथ ही डेट एंड टाइम फॉर प्री पेड कॉन्फ्रेंस आपकी होगी 23/3/2020 को। तो इसके अंदर भी कम से कम आपको 1-2 महीने का, जिसके अंदर जो आइसोलेट कैटेगरी की एजेंसी का चुनाव करने में भी 1-2 महीने का समय लगने वाला है, और ऐसे के अंदर अगर ये एजेंसी का चयन हो जाता है और ये अच्छे से काम कर लेती है, इसका आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम अच्छे से करा लेती है, तो उसी के लिए आपके NTPC का और उसी को ग्रुप डी का आपका टेंडर दे दिया जाएगा, फिर ये आपके एग्ज़ाम कराने वाली है। तो इसके अंदर आपको कम से कम 2-2 महीने लगने वाले हैं। तो बात की जाए इसकी एग्ज़ाम की डेट की, इसके आधार पर आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है। तो मैं बात करूँ NTPC और ग्रुप डी की एग्ज़ाम की डेट की, तो जो आपकी एग्ज़ाम की डेट हो सकती है वो लगभग जुलाई और अगस्त के अंदर आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है 2019 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उसके, जो NTPC और ग्रुप डी की। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही भी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।